पिछले 2 महीने से लीक सार्वजनिक शौचालय की पाइपलाइन को व्यापार मंडल द्वारा ठीक करवाया जा रहा है और एक शख्स अभी इसकी मरम्मत में लगे हैं। सीवरेज की पाइप लीक होने से यहाँ काफ़ी बदबू फैल रही थी और स्थानीय लोगों द्वारा पंचायत से भी डिमांड की गई थी इसे ठीक करवाने की। 6:45 का वक्त हुआ है और इस तरह एक बस अभी यहाँ पहुँची है नाहन से, जो बड़ौल जाएगी। संगड़ा कस्बे में कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए शख्स को क्वारंटीन किया जा चुका है और स्थानीय कानून को हीरा सिंह के अनुसार उनके घर के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए एसडीएम के माध्यम से उपायुक्त सिरमौर को भेजा जा चुका है। हालांकि इस बारे एसडीएम के मोबाइल और दफ्तर के नंबर पर संपर्क नहीं हो सका, तो आज फिलहाल यहां कोई नया कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। बस खड़ी है जो रेंट पर जा रही है यहाँ से, तो इस तरह कुछ एक वाहन बसों के लिए निर्धारित जगह पर भी खड़े नजर आ रहे हैं। और दिवाली नज़दीक होने अथवा फेस्टिवल सीजन के चलते आज भी काफ़ी भीड़ भाड़ देखी जा रही है बस अड्डा बाजार में। तो इस तरह कुछ लोग बिना मास्क के भी दिख रहे हैं, हालांकि अधिकतर लोग मास्क पहने हुए हैं। यहाँ मौजूद इन दोनों बैंकों की ATM मशीनें आज भी बंद है, हालांकि उस दूरी पर स्थित SBI की ATM चलती है। तो यूको बैंक की ATM जहाँ पिछले 8 माह से बंद है, वहीं सहकारी बैंक की ATM भी करीब 2 साल से बंद थी और गत माह ये ठीक हुई थी, हालांकि उसके बाद अक्सर इसमें ताला जड़ा मिलता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं बुधवार को भी काफ़ी लोगों की आवाजाही दिख रही है और इन बैंकों की ATM बंद रहने को लेकर कई बार कर्मचारियों को कहा जा चुका है लोगों द्वारा। 11:50 हुए और आज यहाँ काफ़ी चहल पहल देखी जा रही है फेस्टिवल सीजन अथवा दिवाली नज़दीक होने के चलते। तो स्वास्थ्य खंड संगड़ा की बात करें तो यहाँ अब तक 47 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं और कल ही एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला यहाँ पाया गया और पॉजिटिव युवती एक स्वास्थ्य कर्मी के परिवार से है। तो इस तरह जल्द यहाँ उनके संपर्क में आए कुछ अन्य स्वास्थ्य कर्मी और लोगों के संपर्क सैंपल लिए जाएंगे। तो अभी बसों के लिए निर्धारित स्थान पर गाड़ियां खड़ी नज़र आ रही है और ड्यूटी पर तैनात जवान द्वारा हालांकि बार बार ऐसे वाहनों को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं, मगर यहां से थाना प्रभारी और एक अन्य SI का तबादला होने के बाद यहां लोग इस तरह जगह जगह वाहन खड़े करते दिख रहे हैं। तो आज बिना मास्क के भी काफ़ी लोग नजर आ रहे हैं आसपास और वीडियो बनाकर देख कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं पुलिस सहायता कक्ष संगड़ा के समीप से निकलता एक ओवरलोडेड ट्रक, तो इस तरह एक के बाद एक ट्रक निकल रहे हैं और उस ट्रकों द्वारा बॉडी के बाहर ओवरहाइट की गई है वेल्डिंग और यहाँ से निकल रहे हैं। 3:30 का वक्त हुआ है और अभी एक बस यहाँ जिला मुख्यालय नाहन से पहुँची है जो डिमाइना जाएगी। तो आज काफ़ी लोग बाग दिखाई दे रहे हैं अभी भी, क्योंकि दिवाली नज़दीक है। तो इस तरह अभी आसपास अधिकतर लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं।